दो क्वेश्चन स्टूडेंट के साइड से बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। नंबर वन, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? अगर हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ाई को लेकर के। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर पोस्टपोन्ड होगा तो कितने दिन से होगा? एक हफ्ता, 10 दिन या ज़्यादा? यार आई एम नॉट द पार्ट ऑफ सी टी सेल, ठीक है सबसे पहले तो। बट हाँ, एक्टिविटी जो उनकी अभी रिसेंटली चल रही है उसको लेके एक गेस कर सकते हैं, एक स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हाँ एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितने दिन से होगी। ठीक है, सो सबसे पहले ये एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए अपन सबसे पहला एग्ज़ाम MBACT वाला लेते हैं। MBACT का एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलिंग ख़त्म होने वाला था 4 तारीख को, उसको एक्सटेंड करके 11 तारीख तक आ गया वो, है ना। 11 तारीख तक लोग फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम है 18-19। 7 दिन के टाइम में तो नोट एडमिट कार्ड आएगा नहीं, और उसके बाद एग्ज़ाम, तो उनको डेट एक्सटेंड तो करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, बिकॉज ऑफ लेस टाइम दे हैव गिवन फॉर दे फॉर्म फिलिंग, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ड्रॉप हो गए हैं, तो वो भी उनको मेंटेन रखना है भाई। 1.5 लाख लोग लास्ट ईयर अपेयर किए थे, लिखे थे, मतलब रजिस्टर किया था लोगों ने, और इस साल वो 86 के आसपास है। अभी फॉर्म फिलिंग ओपन किया तो शायद वो 1 लाख के आसपास पहुंचेगा। सो दिस इज़ द अनदर रीज़न कि शायद से और एक्सटेंशन आए। ठीक है, सो बाकी की इन्फॉर्मेशन उनके वेबसाइट पे अपडेट जैसे आएगा, आई विल मेक द वीडियो, यू ऑल्सो कीप ऑन चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सिटी सेल। बट हाँ, एक्सटेंड तो होनी चाहिए, होगी तो भी हफ्ता 10 दिन से होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लाइक MBA का एग्ज़ाम जो 18-19 को होने वाला था, वो शायद से अभी होगा अराउंड 24-25, या तो फिर उसके बाद वाला टाइम, मतलब 1 तारीख 2 तारीख मे बी, या तो फिर उसके बाद वाला वीक। सैटरडे संडे आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, तो आप अपना टाइम टेबल तो उस हिसाब से आप डेट देख सकते हो। और उसके राइट आफ्टर MBACT आपका MCACT का एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे अपना 5 ईयर्स का एग्ज़ाम, लॉ का एग्ज़ाम भी एक्सटेंड होगा, बिकॉज 12th बोर्ड का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसको लेके भी दिस इज हाई चांस की डेट एक्सटेंड हो, लोगों को प्रिपेयर करने का टाइम मिले। 3 ईयर्स लॉ को लेके टाइम है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई चेंजेस होगा। BEd को लेके दे माइट चेंज, या तो फिर सारे CT के डेट को थोड़ा थोड़ा आगे पुश करेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंड जो होगा वो होगा तो हफ्ते भर या 10 डेज, मतलब 7 डेज या 10 डेज के हिसाब से आई थिंक एक्सटेंड होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, बिकॉज सारे प्रोसेस तो हो ही गए हैं। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने, एक्सटेंशन दे दिया, IT का भी प्रोसेस चालू कर दिया है, MBA को लेकर के, MCA को लेके और बाकी एग्जाम को लेकर अभी तक आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे ही उनका लास्ट ईयर आएगा तो बाकी की चीज़ें भी डेट आना चालू हो जाएगी, अपडेट आना चालू हो जाएंगे। बट हाँ, दिस इज़ व्हाट माई स्पेकुलेशन की डेट एक्सटेंड होगी, आपको टाइम मिलेगा और पढ़ाई को लेके। बट डिस्क्लेमर, एज आई कीप ऑन सेइंग, डोंट रिलाई ऑन माई वर्ड्स। जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो आपकी फाइनल डेडलाइन पकड़ो और पढ़ाई चालू कर दो, मॉक लिखना चालू कर दो, स्पेसिफिक टू MBA एंड MCA स्टूडेंट। भाई आपका तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो डिले नहीं करना है। बाकी प्रिपरेशन को लेके, एट मेन्यूअर, क्लासरूम एंड लाइफ, बोथ दी क्रैश कोर्स वी हैव लॉन्च, यू कैन चेकआउट दी डिटेल्स, बुरी दादर वसई थाने फॉर द क्लासरूम। थाने इज द न्यू सेंटर, दोज हु हैव नॉट विजिटेड थाने सेंटर, अगर आप डोंबिवली कल्याण घाटकोपर साइड में हो तो आप थाने सेंटर यू कैन विजिट। एंड लाइव क्लास के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर ऑनलाइन टीम। बाकी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, बुक्स ऑर्डर करनी है आपको, टेस्ट लेना है, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट या मैक्सिमम स्टूडेंट का ये एक्सपेक्टेशन है कि डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए। बट मैं आपको एक और बात बोलूँ, एग्ज़ाम अगर 1 महीना भी एक्सटेंड और हो जाए ना, तो भी आपका पूरा पढ़ के नहीं होगा, 1 या 2 महीना एक्सटेंड हो जाए, फिर भी आप इसी सिचुएशन में रहोगे कि अभी थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाए। तो भी ज़्यादा एक्सटेंड होने के माइंडसेट में मत रहना, जो भी दिन मिलेगा वो बोनस डेज होगा, और फुल फ्लेज में 8-10 घंटा पढ़ाई करना चालू कर दो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।